न्यूज भी दे देता हूं मैं, क्योंकि अब तो ये चलेगा, अब तो ये चलेगा। वो ये कि हमारा एक अखबार है फ्राइडे टाइम्स, उसके अंदर एक कॉलम छपता है, वो 10 साल से कॉलम छप रहा है जब से ये सियासत में आए हैं। वो कॉलम इनको पसंद नहीं है, इन्होंने मुझे बड़ी दफा कहा कि वो कॉलम बंद कर दें, पर मैंने आगे से हंस के यही कहा यार छोड़ दो, ये कॉलम ही सेलिंग पॉइंट्स होते हैं। उस जमाने में पीटीवी और ये जियो और ये बाकी चैनल्स नहीं थे जब ये कॉलम शुरू हुआ था, मतलब है मतलब स्टेट ओन टेलीविजन था, प्राइवेट चैनल्स नहीं थे। और ये मतलब है कि ये जो मजाके मजाया प्रोग्राम है बीएनएन के हो गए, ये बाकी दूसरे हो गए, इसमें इमरान खान साहब भी बनाए जाते हैं, मैं भी बनाया जाता हूँ, चंगी हमारी पतलून हम अपने उतरवाते हैं, हंसते रहते हैं हम, ठीक है कि यार ठीक है, अब ये तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना, अगर आप पब्लिक आए में हैं तो फिर तो चलेगा ये, तो आपकी तो ठीक ठाक वो करेंगे, ठुकाई होगी तो वो होती है, मेरी भी होती है यार, सारा दिन होती रहती है, हाँ हंसते रहते हैं, हाँ 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 बड़ा अच्छा बड़ा बुरा, कभी कभी वो अंडर द बेल्ट मार देते हैं, थोड़ा सा परेशानी आ रहा है इतना करें। वो कॉलम इस किस्म का है, वो इमरान साहब के ऊपर वो कॉलम है जिसमें ये लिखता है, नाम क्या है कॉलम का? उसका नाम है अंग्रेजी में इम द डिम। अब अच्छा यहां भी तकलीफ है, इम से मुराद इमी, इमरान इमी इम द डिम, वो इम डिम के साथ इम चलता है, डिम का क्या मतलब यहां खोखला। अब ये तकलीफ है कि यार हमने ये कॉलम क्यों शुरू कर दिया, इम खोखला, डिम डिम का मतलब है बल्ब लाइट थोड़ी हो तो डिम होती है। अच्छा यार चलो कोई बात नहीं, तुम बड़े आदमी हो यार, जब चलने दो। मियां नवाज शरीफ साहब के ऊपर भी सेल्फ टू बी अ लीडर, तो मियां नवाज शरीफ साहब के ऊपर भी चला था कि जी इत्तफाकनामा, जिसमें हर किस्म की चीजें होती थी, मियां साहब को भी बड़ी नाराजगी थी एक जमाने में, उन्होंने बंद कर दो ये, बाद में मियां साहब को हमने कहा यार अब बड़े लोगों के बारे में होता है छठो पर, और चलो मिट्टी पाओ करी चलो ठीक है। इसी तरह मोहतरमा के ऊपर भी चलता था, ऐसे इसी किस्म की चीज चलती थी, मोहतरमा भी एक दफा बड़ी नाराज वाज हुई, मैं कहा बीबी यू आर बिग लीडर लेट इट गो इट्स ग्रेट फन, ओके। मतलब है कि यहां तकलीफ है, ये हमेशा इसके ऊपर तकलीफ है, और वो कॉलम जारी चल रहा है, कॉलम अंग्रेजी का। कितने लोग पाकिस्तान में अंग्रेजी पढ़ते हैं, लाख दो लाख, चलो बिग डील, फ्राइडे टाइम्स कम पढ़ते हैं, तो इतने तकलीफ की, फिर तकलीफ क्यों? तकलीफ यह है कि ये लंदन में छपता है ये कॉलम, वहां एक अंग्रेजी अखबार है उसके अंदर ये छपता है। अब वहां तकलीफ होती है बिकॉज इनके जो गोरे दोस्त है ना, इनको गोरों से बड़ा इश्क है, गोरे दोस्त जो है ना इनके, वो हंसते हैं वहां, जहां पार्टियों पे जाते हैं वहां ही होता है कि वो अपने पड़ा, वो वहां लंदन में अखबार में वो छपता है, वो हमने नहीं, वो जिसको हमने आगे वो सिंडिकेट होता है वो उधर। अब वो तकलीफ होती है, अब वो, और अब मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज ये देना चाह रहा हूं कि इतनी अब डिमांड हो गई है जब से इन्होंने मुझे अटैक करना शुरू किया है, तो अब मैंने फैसला किया है कि वो किताब की शक्ल में वो सारे कॉलम छाप दिए जाएं, और सारी दुनिया में वो किताब बिकेगी, लखों रुपए सानू मिलेंगे रॉयल्टीज दे, और तुम और मैं फिर पर्क्स लेके खान साहब को सलाम करेंगे। नहीं सीरियसली, अब मैं किताब छापने लगा हूं इंडिया में, यूके में और पाकिस्तान में, इन द डिम फर्स्ट वॉल्यूम। अच्छा, मेरे बहुत से जो हमारे दोस्त है ना, वो कहते थे जी इसके ऊपर आप बात नहीं कर रहे, ये कैसे हो सकता है आप इतने इल्जामात नजम साहब पर लगे, आप बात क्यों नहीं करते? आज कर दी। हाँ। मैं कहता हूं, मैं फिर से कहता हूं, सबूत है तो लाओ, एल्स शट अप।